तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल के दूसरे सप्ताह के लिए, यानी 8 से 14 अप्रैल तक के लिए। ये वीक आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो इस वीक में आपके लिए ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे 8 और 9 अप्रैल की। 8 और 9 अप्रैल को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इनका गोचर आपके राशि स्थान से 12वें भाव में होगा। इस समय में आपको हो सकता है विदेश यात्रा करनी पड़े, या फिर अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस समय कर रहे हैं अपने ही देश में, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। चंद्रमा का 12वें स्थान में जाना वैसे अच्छा साबित नहीं होगा। किसी ना किसी मामले को लेकर कोई खर्चा करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका कोई डिसीजन गलत साबित हो जाए और आप कोई ऐसा कार्य कर दें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानि वाला हो, तो इस समय में ज़्यादातर आपको नुकसान ही होगा। लेकिन विदेश से जुड़े हुए मामलों में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। साथ ही आप अगर फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो वो कार्य आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई भी कार्य जहाँ पर आपको किसी स्पिरिचुअल जो उद्देश्य है आपका, उसके लिए कोई यात्रा करनी है फॉरेन की, या किसी अन्य कार्य के लिए आपको फॉरेन जाना है, तो आप जा सकते हैं। इस दौरान आपका अपने देश से भी लगाव अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा का 12वें स्थान में होने से नींद को लेकर दिक्कत हो सकती है, आपका रूटीन खराब हो सकता है और आप सही प्रकार से निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो आप काफ़ी ज़्यादा देरी कर देंगे किसी भी काम में, और इस वजह से आपका पूरा रूटीन और आपका काम है वो बिगड़ सकता है। आपकी जो दिनचर्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी और आप समय पर कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दुखी रह सकते हैं। चंद्रमा के 12वें स्थान में होने से इस समय में आपको डरावने सपने आना, या फिर पारलौकिक शक्तियों का जो अनुभव है वो हो सकता है। ये समय में आपको चाहिए कि आप शिव उपासना करें, या कोई भी मंत्र हो जिसका आप रेगुलर जप कर रहे हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, और आप ध्यान लगाएं। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा एकाग्रचित रहेगा और मानसिक दिक्कत नहीं होगी। इस समय में चंद्रमा जो कि 6th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको अपने कार्यस्थल की परिस्थितियों से भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि मिल सकती है। इस दौरान आपके ऑफिस में ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके शत्रु बन जाएंगे, या किसी ना किसी वजह से आपको वो परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। चंद्रमा का आपके 6th हाउस को देखना धन संबंधी लेन देन के लिए भी अच्छा नहीं है। इस समय आप किसी से लोन लेना चाहते हैं या किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं, तो ये काम आप बिल्कुल भी ना करें, या फिर बहुत ही सोच समझकर निर्णय करें। अगर आप पहले से कहीं से उधार लिए हैं पैसे, तो इस समय चुका नहीं पाएंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कोई पुराना रोग है आपको, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई ऐसी समस्या आपके लिए शारीरिक रूप से उभर सकती है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। तो आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब रहेगा, ऑफिस का जो कार्य है वहाँ भी आपको बाधा रहेगी। कोई पुराना किसी से विवाद वो फिर से खड़ा हो सकता है, इस वजह से आपको सतर्क रहना होगा। चंद्रमा का 12वें स्थान का ये गोचर शुरुआती 2 दिनों में आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इसके बाद आपके लिए स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। जब चंद्रमा 10 और 11 को आपके राशि स्थान में गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में आप कोई भी वो डिसीजन ले सकते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए लेना है। साथ ही आप अपने लिए या अपने बिजनेस या लाइफ पार्टनर के लिए कोई आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये समय में आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा और कोई नया बिजनेस आइडिया भी आपको आ सकता है। इस समय में आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा, और कोई पार्टनरशिप का अच्छा मौका आपको मिल रहा हो तो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा भावुक रहेंगे और कल्पना शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने से कहीं ना कहीं आपके मन में विचार बहुत सारे आएंगे और आप अपने सपनों की दुनिया में भी व्यस्त रहने वाले हैं। तो अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, या कोई ऐसे राइटिंग या कुछ ऐसा कार्य करते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा है वो राशि स्थान का, इस वजह से आप लिखने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। आप कोई आर्टिकल लिखते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके मैरिड लाइफ में जितने भी दिक्कत चल रही थी वो दूर होंगी। चंद्रमा के 7th भाव से एस्पेक्ट की वजह से आपका व्यवहार सभी के साथ काफ़ी अच्छा होगा। आपकी जो वाणी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा मधुर होगी और आप शालीनता से सभी के साथ फेस आएंगे। इस समय में आप अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग करेंगे और आपके पार्टनर से भी आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस दौरान आप अपने फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने से इस समय आप जो भी कार्य करेंगे वो तेजी से कर पाएंगे।
इसके बाद की जो स्थिति रहेगी 12, 13 और 14 अप्रैल की, उसमें चंद्रमा आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। दूसरे भाव में इनका ट्रांजिट मेष राशि में होगा। मेष राशि में होने से आप अपने फैमिली को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे। इस समय में आपके धन की वृद्धि होगी, आपके धन की बचत हो पाएगी। जो भी खर्चा करेंगे वो या तो आप खुद के खान पान पर करेंगे या फैमिली के लिए खर्चा कर सकते हैं। इस दौरान आपकी वाणी में बहुत ही ज़्यादा मधुरता होने की वजह से आप कोई भी गीत संगीत की दुनिया में काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा और कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता हो, या आप लोगों को प्रभावित करने के लिए भी अपनी वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वक्त काफ़ी अच्छा है। ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। धन की बचत अच्छी होगी, फैमिली के साथ संबंध अच्छे होंगे, फैमिली को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और ये समय में कुछ अचानक ऐसी घटना भी हो सकती है जहाँ से आपको अचानक प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन मिल सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो इस समय में कई बार आपको परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है अगर आप वाहन चलाते हैं तो ज़्यादा तेज वाहन चलाने की वजह से, आपको ड्राइव करने की वजह से नुकसान भी हो और कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना की चांसेस आपके लिए रहे, तो इन सब से आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे अगर ज़्यादातर सेक्रेसी रहती है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ रहती हैं, बाहर बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि क्या कर रहे हैं, अगर ऐसे फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही आपकी रुचि अकल्ट में बहुत ज़्यादा रहेगी। तो चंद्रमा का अष्टम भाव को देखना आपके लिए काफ़ी अच्छा है और कुल मिलाकर इस समय में धन अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। तो ये समय ऐसा रहेगा जब आपके लिए कोई ऐसी घटना भी जीवन में घट सकती है जिससे आपकी लाइफ है वो अचानक बदल सकती है। इस पूरे वीक के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत से ही इस वीक में हालांकि अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी शुरुआत में, लेकिन कुछ अगर विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो विशेष मदद आपको मिलने वाली है शुरुआत से। इसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे जो भी करेंगे, और अपने फैमिली के लिए ही सब कुछ आप अपना लगा देंगे। तो ये पूरा वीक आपके लिए काफ़ी मेहनत करने का रहेगा और इस वीक में जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल आप पाएंगे। साथ में जब अंतिम 3 दिनों में आप अपने फैमिली पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर आप धन की वृद्धि पर ही फोकस करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य आप नहीं करना चाहेंगे जहाँ पर आपको लग रहा है कि पैसे नहीं आ सकते, धन नहीं आ सकता। मुख्य रूप से आप अपने फैमिली की जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने में ही लगे रहेंगे। साथ ही साथ आप में कोई भी टैलेंट है, अगर वाणी को लेके कोई टैलेंट है या कोई अन्य ऐसा टैलेंट है उसमें भी वृद्धि होगी, तो आप उससे भी धनार्जन कर सकते हैं। साथ ही ये चंद्रमा आपको, आपके दूसरे भाव का चंद्रमा अंतिम 3 दिनों में कुछ ऐसा खान पान जैसे मीठी चीज़ें खाने का या फिर सफ़ेद चीज़ें खाने का, खट्टी मीठी चीज़ें खाने का शौकीन बना सकता है। तो इस दौरान आहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन आप खुद ही करें, अपनी डाइट जो आप लेना चाहें उसके अनुसार और आपके स्वास्थ्य की जो स्थिति है, शारीरिक जो स्थिति है आपकी उसके अनुसार। साथ ही चंद्रमा के अष्टम भाव को अंतिम 3 दिनों में देखने से आपको पैतृक संपत्ति या फिर आपके इन लॉज से धन में फायदा मिल सकता है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। साथ ही जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी विशेष फायदा होने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हैं, तो आपको फायदा होने ही वाला है। पर चंद्रमा का अष्टम को देखना ये इस प्रकार से है जैसे आपका जो नेचर होगा कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा। जो लोग आपसे एकदम से जुड़े हुए नहीं रहते वो लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंड करें, लेकिन आप किसी की भी बात को काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से लोगों को आप परख पाएंगे। तो इस वीक में आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 2 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफ़ेद रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।